हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है टेक्नो थिंग्स। दोस्तों, यहां पर आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट पाई मिक्सर एंड ग्राइंडर का, जो कि है 500 वाट का। तो उसका हम यहां पर अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि क्या है वो, अच्छा प्रोडक्ट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे बॉक्स की तरफ और उसको हम यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉक्स हमारे पास आ चुका है जिसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट का बॉक्स है और इसके अंतर्गत जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बॉक्स पे अगर हम बात करें तो देखो, ब्रांड में लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय। प्रोडक्ट की बात करें तो मिक्सर ग्राइंडर है यहाँ पर, कलर दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट, मॉडल नंबर्स, MRP और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम इसका यहाँ पर करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। तो चलो देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है हम इसको कट करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही इसको कट करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स के अंदर देखते हैं हमको और क्या चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो चलो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो मिल रहा है ये मेन जो इसका मतलब कहना चाहिए मोटर है, वो चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से पैक है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, फिर उसके आगे हम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि और क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। तो चलिए और क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत देखें हम यहाँ पर। तो एक बॉक्स और यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमको पेपर वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। इस बॉक्स को हम यहाँ पर साइड में रखते हैं और उसके आगे जो है इसके पास जो हमारे पास एक बॉक्स और आया है, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या चीज़ें मिल रही हैं हमको देखने को यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। जैसे इसको हमने यहाँ पर ओपन किया तो देखो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें हमको देखने को मिल रहा है उसके जार्स देखने को मिल जाएंगे हमको, कौन कौन से। तो ये एक स्मॉल वाला यहाँ पर जार देखने को मिल रहा है हमारे पास, इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये उसके कैप्स वगैरह हैं। और अगर हम बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर एक जार ये है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक जार ये है। तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिले, टोटल 3 जार देखने को मिल रहे हैं जैसा कि फ्लिपकार्ट के ऐप पे दिया हुआ है। मीडियम, लार्ज और स्मॉल जार तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, ये हमारा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मीडियम का यहाँ पर कैप दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। मीडियम का भी कैप यहाँ पर दिया हुआ है और ये हमारा हो गया यहाँ पर स्मॉल जार। स्मॉल जार का भी हमको यहाँ पर कैप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। क्वालिटी भी हम देखेंगे कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी। ये हो गया स्मॉल। और मेन जो है हमारा यहाँ पर, ये जो हमने साइड में रखा हुआ है मेन जो है, इसको देखते हैं। इसको भी हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसको भी जो है अच्छे से पैक किया गया है यहाँ पर। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसा है ये। तो देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है पैक करके दिया हुआ है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 जार के साथ ये जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास लो, मीडियम, हाई का जो है यहाँ पर बटन दिया गया है और ये जो है एक चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसको देखो हम यहाँ पर जो है, अभी हम इसको चला के भी देखेंगे कि कैसा है यहाँ पर, क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पहले इसकी बात करते हैं कि ये क्या है, इसकी मतलब बिल्ट क्वालिटी कैसी है, ये अच्छा है, ख़राब है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी। तो स्टेनलेस स्टील बोला गया है और पकड़ में भी ठीक है, लेकिन ये जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है ये बहुत ही चीप है, चीप क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया, उतना अच्छा नहीं है। हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी देखो, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो देख सकते हैं आप क्वालिटी ख़राब है यहाँ पर मुझे लग गया है और यहाँ पर देखिए ब्लड भी आने लगा है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमको यहाँ पर, जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हैंड पकड़ने के लिए नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्वालिटी
इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि एक तो हैंडल नहीं है, छोटे वाले ग्लासेस में हैंडल नहीं दिए गए पकड़ने के लिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बस हैंडल आपके बिग जार में, बड़े वाले जार में आपको हैंडल देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वालिटी भी इसकी जो है ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि हैंडल नहीं है, तो हैंडल अगर नहीं मिलता है तो वो पकड़ने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम जो है इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या स्पीड है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपने देखा यहाँ पर स्पीड कैसी है, यहाँ पर तो देख सकते हो स्पीड अच्छी है मोटर की, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बस मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक लग रहा है यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो यही चीज़ है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि कैसे जो है इसको हम पकड़ेंगे और कैसे क्या यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो कि मेरा हैंड कट चुका है, तो क्वालिटी वाइज यानी कि जो मोल्डिंग वगैरह की गई है बिल्कुल अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का जो है ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, तो आप इसको मत लीजिएगा, क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है, बैड प्रोडक्ट के कैटेगरी में रखेंगे। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है बहुत ही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप जो है, इसके पहले भी मैंने फ्लिप्स वगैरह के रिकमेंड किए थे, तो वो आप यहाँ पर लो, ये आप को नहीं लेना है, ये जो है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से जो है यहां पर हमने अनबॉक्सिंग करी, इसका रिव्यू देखा, तो क्वालिटी वॉज नॉट गुड। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा।